थाना रेलवे रोड क्षेत्र में एक गाय को जलाया गया है। हिंदू संगठनों के जो लोग पहुंचे तो वहां पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया कार्यकर्ताओं के साथ। समाज के अंदर अगर खड़ा हो रहा है, आप अपनी बात को रख रहा है, तो क्या पुलिस मुकदमे दर्ज करेगी, लाठी चार्ज करेगी? जनता को केमिकल डाल के इसको उन्होंने जलाया है। दो चौकी है, एक चौकी पीछे की साइड है, एक चौकी इधर आगे थाना है, उसके बाद भी इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पे, देख क्या रहे यहाँ पे लोग। आपने ये कहा, यदि आप सड़क जाम करोगे, मेरी बात सुनिए, जो आपने कहा वही बताओ, यदि आप सड़क जाम करोगे तो मुकदमा भी सालों दर्ज करूंगा। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो, रोड जाम करोगे तो देखोगे कि कौन आदमी संगठन का कौन नहीं है। ये कोई सड़क पर खड़े लोग थाना रेलवे रोड क्षेत्र में एक गाय को जलाया गया है। और जब विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू संगठनों के जो लोग पहुंचे तो वहां पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया कार्यकर्ताओं के साथ, और इतना व्यवहार किया कि यदि आप इस गाय के विषय को लेकर सड़क जाम या कुछ भी करोगे तो हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे, लाठियां बांधेंगे। जिस तरीके का कार्यशैली है मेरठ की पुलिस की, ये बड़ी बहुत ही निंदनीय है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या ऊपर से ये आदेश दे रहे हैं पुलिस को कि अगर कहीं गाय का जला के गाय को मार दिया जाए, और उस गाय के संरक्षण में अगर जो है हिंदू समाज के लोग अगर वहाँ एकत्र होकर और उसकी मांग करें कि भाई जो आरोपी किसी भी धर्म का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका की मांग अगर इसमें कर रहे हैं, तो क्या पुलिस का ये निंदनीय है कि इस तरीके से अगर कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाने की बात और लाठी चार्ज करने की बात अगर पुलिस करेगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा बस यही निवेदन है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को कम से ऊपर से निर्देश दें कि जो सही बात को लेकर, सही विषय को लेकर समाज के अंदर अगर खड़ा हो रहा है, आप अपनी बात को रख रहा है, तो क्या पुलिस मुकदमे दर्ज करेगी, लाठी चार्ज करेगी? मेरा यही निवेदन है। दूसरा, इस पे 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी हो जिसने गाय को जलाया। आज तक मैंने गाय का गोवंश की हत्या होती हुई सुना था, लेकिन जिस तरीके से गाय को जलाया गया ये बड़ी निंदनीय है। और मेरठ पुलिस ऑन रोड 10 मीटर पे 20 मीटर पे चौकी है, चेक पोस्ट है यहाँ पे। जब भी अगर इस तरीके की गश्त जो रात को होती है, रात को जला, दिन में 24 घंटे गश्त, रोड है थाना रेलवे रोड पड़ता है, यहाँ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, तो सबसे हमारी ये मांग है जो व्यवहार है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं जिस तरीके की पहुंचे अधिकारी हैं जिनको ये निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर से जो है जो भी अगर कोई गाय का जलना होगा या गोवंश होगा, कोई हिंदुत्व की बात करेगा तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे। उसके जो है गिरफ्तारी तो उनकी होनी चाहिए जो गाय को जला रहे हैं, गिरफ्तारी हम लोग ही करेंगे। हम मौके पर पहुंचे हैं, क्या मामला? ये मैंने देखा, मुझे सूचना मिली स्टेशन पर, स्टेशन रोड पर ऐसे हो गया, रेलवे रोड पर ये लोग षड्यंत्र रखता है और गाय को इन्होंने मारा है यहाँ पर और गाय को जलाया है, क्योंकि यहाँ इतने पेड़ सूखे लकड़ी नहीं है, लगता है कोई केमिकल डाल के इसको उन्होंने जलाया है। मैंने डीएम एसएसपी, शहर के माहौल को खराब करने का प्रयास है, दुष्चक्र है, सरकार में को बदनाम करने के लिए ये राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी जो तत्व हैं उन्होंने ऐसा किया है। और मैंने डीएम और एसएसपी दोनों से बात की है कि इसके अंदर फॉरेंसिक जांच करा के कड़ी कार्रवाई करें। सूचना प्राप्त हुई 12 बजे करीब कि भैया यहाँ पर गाय को जला दिया है जिंदा, वो भी 12 बजे के बाद रात को, सूचना प्राप्त हो रही है हमें, लेकिन उससे पहले पुलिस से पहले हम लोग आ गए हैं, हमारे आने के बाद भी 1 घंटे बाद पुलिस आती है, हैं? इसके बावजूद भी 2 चौकी है, 1 चौकी पीछे की साइड है, 1 चौकी इधर आगे थाना है, उसके बाद भी इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पे, देख क्या रहे यहाँ पे ये लोग। गाय से चीज बर्दाश्त होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कार्यकर्ता से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस ये नोकझोंक थी, बस ये चीज है। पूरे हिंदू समाज के मन में आक्रोश है, हिंदू समाज माता शक्ति माता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस से सख्त कार्रवाई की बात कर दी है, एनएसए की डिमांड है, 24 घंटे में मुकदमा और कार्रवाई चाहिए, बस हो गया। और पूरा हिंदू समाज संगठित है, गांव के लिए बिल्कुल भी कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी, और पुलिस से कोई नोकझोंक नहीं है, अपनी सरकार में है, अपनी सरकार में कोई नोकझोंक, थोड़ी तो परिवार में चल जाती है। चलिए, सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।